अब जशपुर के बाद अब जिलेवासी कोबिया की रसीली लीची का स्वाद भी ले सकेंगे। बता दें कि सोरगा और चेवा पारा की रोपनी में लीची के पेड़ फलों से लदे हुए नजर आ रहे हैं। इस साल यहां लीची के अच्छे उत्पादन की संभावना है। जिले में अनुकूल जलवायु और बेहतर मिट्टी से लीची का उत्पादन संभव हो सका है। साथ ही उद्यान विभाग की पहल से अब किसान भी लीची के उत्पादन में रुचि ले रहे हैं। आपको बता दें कि सोरगा और चेवा पारा नर्सरी में उद्यान विभाग ने पहल करते हुए बड़े स्तर पर लीची की पैदावार की है। इसी क्रम में उद्यानिकी विभाग के उप संचालक विनय त्रिपाठी का कहना है कि जिले में पहले अंबिकापुर से लीची पहुंचती थी, अब जिले में उत्पादन शुरू किए गए हैं। सोरगा नर्सरी में 32 पेड़ हैं, एक पेड़ से 100 किलो उत्पादन होने का अनुमान है और आने वाले सालों में यहां लीची और आम का अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। क्या ये अपना सौजा एरिया है, लीची के लिए फेमस है? पहले अंबिकापुर का लीची होती थी बहुत अच्छा। हमने इस बार का प्रयास किया है कि कोरिया जिले में अच्छी अच्छी जो है जो लीची जो है उत्पादन हो, और हमने हमारे ये नर्सरी सोरगा नर्सरी में वही कम कम 32 पेड़ हैं और बहुत अच्छा हुआ है। इस बार इसका उपज जो है एक पेड़ से वही 80 से 100 किलो के आसपास उत्पादन जो हुआ है। किसानों को भी कुछ दिया गया है जी? हमने इस बार 50 हेक्टेयर का टारगेट जो है का नाम आया हुआ था हमारे जिले में। हमने 50 हेक्टेयर लीची पेड़ पौधे जो है हमने किसानों को लगवाए।